विंटर्स में सबसे ज्यादा वार्म रखने वाला क्लोथिंग पीस स्वेटर। बट यार ब्रोज ना जनरली वो गंदे दिखने वाले स्वेटर्स पहनते हैं और उनको स्टाइल भी गलत तरीके से करते हैं, जिससे वो एकदम या तो बूढ़े दिखते हैं या फिर एकदम लल्लू। बट इतने सारे स्वेटर्स के टाइप्स हैं, तो उसमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है, कौन से अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं जहां से आप ये खरीद सकते हो, एंड उसको स्टाइल कैसे करोगे जो आपके पास चीजें ऑलरेडी पड़ी है उनके साथ, जैसे चीनोज, जीन्स वगैरह। मैं हूं ना, What's up bro? Welcome back to my channel. I am Sam Kalra and this video is all about sweaters. आज हम बात करेंगे सारे must have sweaters की, उनके hacks, उनकी tips, उनको style कैसे करना है, brand, सब कुछ। और हाँ, end में एक बहुत बढ़िया tip दूंगा आपको sweaters की care करने के लिए, तो पूरा video देखना और end तक देखना। यार सबसे पहली बात, sweater और sweatshirt different होते हैं। Sweatshirt basically होती है generally cotton material की और उसका fabric woven होता है, और woven fabric थोड़ा सा stiff ज़्यादा होता है और आपकी body पे flow करता है। स्वेटर मतलब वो जो निटेड मटेरियल होता है, मतलब वो जो दादी नानी बुनती थी, वो उतना स्टिफ नहीं होता, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा लुल्लू सा फैब्रिक होता है। स्वेटशर्ट दो मेन टाइप की होती है, एक तो हो गई क्रूनेक जो कि होती है राउंड गले वाली, और दूसरी हो गई हुडीज, जिसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के बाद जाके हुडीज वाली वीडियो भी देख लेना यार, और सब्सक्राइब दबाओ यार, 50K करते हैं फटाफट और गिवअवे करेंगे उसके बाद। अब स्वेटर्स में यार बहुत अलग अलग टाइप आते हैं, एक अच्छी डेफिनेशन होती है कि उसका गला कैसा है। तो गले में तीन मेन टाइप होते हैं, वी नेक, क्रूनेक और टर्टल नेक। पहला वी नेक मतलब वो वी शेप की नेक, ये सारे बॉडी टाइप्स के लिए अच्छी लगती है क्योंकि जो वी होता है यहाँ पे वो अटेंशन ड्रॉ करता है आपके चेस्ट और आपके शोल्डर एरिया पे, तो ये आपको बहुत मस्कुलर और थोड़ा सा टॉलर भी दिखाता है, तो ये सारे बॉडी टाइप्स अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ये वी नेक है तो आपकी नेक को ना थोड़ा सा लंबा दिखाएगा, तो जिनकी नेक ऑलरेडी लंबी है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ये पहननी। लेकिन आप इस वी को बैलेंस आउट कर सकते हो ऊपर कॉलर वाली चीज पहन के, मतलब कि अंदर शर्ट पहनोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए वी नेक ऑफिसेज में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और हाँ, मेरी तो एकदम फेवरेट है किसी भी फॉर्मल ओकेजन में पहनने के लिए। नेक्स्ट है क्रू नेक स्वेटर, मतलब कि जिसका गोल वाला गला होता है। अब इसके अंदर अगर आप टी शर्ट पहन रहे हो जो कि अगेन एक गोल गले वाली है, तो फिर भी चलेगा, बट मैं कहूंगा कि वी नेक हमेशा ज्यादा क्लासी होता है क्रू नेक स्वेटर से। नेक्स्ट है आप लोगों का फेवरेट टर्टल नेक, ऐसा स्वेटर जिसका कपड़ा आपके गले को कवर करता है। ये सेमी फॉर्मल और कैजुअल ओकेजन दोनों के लिए बहुत बढ़िया है, और ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होता है, और यार मेरा तो एकदम फेवरेट है। ये आपकी बॉडी को ना थोड़ा सा लंबा दिखाता है, तो जिसकी वजह से आप थोड़े से पतले भी दिखते हो। और इसके साथ यार मफलर भी नहीं चाहिए पहनने के लिए, गर्दन गर्म करने के लिए। वैसे मफलर से याद आया, विंटर एक्सेसरीज कोई वीडियो चाहिए क्या, जैसे मफलर, बीनी वगैरह इन सब की स्टाइलिंग? अगर चाहिए तो अभी के अभी 2000 लाइक्स करवाओ, लाइक ठोको। एक और टाइप की नेक होती है क्वार्टर जिप, जिसके अंदर बेसिकली ऊपर से लेके 1/4 लेंथ तक जिप होती है, और उसके कॉलर्स थोड़े से रेज्ड होते हैं। अगेन इसके चेस्ट एरिया में क्योंकि ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो ये अटेंशन हटाती है आपके पेट वाले एरिया से, तो जो लोग मोटे हैं, जिनकी थोड़ी सी तोंद है, उनके लिए अच्छा स्वेटर है। बट ये थोड़ा सा ना मैच्योर ज्यादा लगता है, तो ये ऑफिस की जैसे पार्टी हो गई इस टाइप के ओकेजंस के लिए बेस्ट है। अब आते हैं स्वेटर्स के मटेरियल पे। स्वेटर्स का ना मटेरियल जनरली वूल ही होता है, ताकि ऑब्वियसली वो गर्म रख पाए आपको। बट अगर आपको थोड़ा सा कम गर्म स्वेटर चाहिए, तो आप कोई कॉटन ब्लेंड वाला भी ले सकते हो। मेरिनो वूल और कैश्मीर एक अलग टाइप की वूल्स हैं, जो कि थोड़ी सी हल्की होती हैं, थोड़े से पतले स्वेटर बनते हैं उनके, लेकिन तब भी उनमें गर्मी ज्यादा होती है। बट हाँ, इसके लिए आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। वैसे आपके यहाँ कितनी सर्दी चल रही है, कितनी लेयर्स पहननी पड़ रही हैं आपको, मेरे को कमेंट्स में बताओ, ताकि मैं अपने वीडियोस प्लान कर पाऊँ आपके यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। यार अगर आपके स्वेटर का मटेरियल ज्यादा प्रीमियम नहीं है, आपने समझ लो थोड़ा सा चीप वाला खरीदा है, तो उसमें एक दिक्कत यह आ सकती है सिंथेटिक मटेरियल और गंदी वूल वाले मटेरियल्स में, कि उनके ऊपर ना वो बुर जम जाती है, मतलब उनके जो थ्रेड्स है ना वो निकल के बाहर आते हैं और ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बन जाती है, जिसको हम कहते हैं पिलिंग। अब इसका एक हैक ये है कि आप एक शेविंग रेजर ले लो, जिससे आप अपना शक्ल शेव करते हो, उससे बहुत हल्के हाथ से अपने स्वेटर के ऊपर धीरे धीरे वो रेजर मारोगे, तो वो जितनी बुर जमी हुई है, जितनी पिल्स बनी हुई है, वो सारी आराम से निकल के आ जाएंगी। ज़्यादा जोर से मत करना, नहीं तो स्वेटर फट जाएगा। या फिर इसका एक ईजी वाला ऑप्शन ये है कि आप अमेजोन से 400-450 रुपये का एक डीप पिलिंग मशीन आती है, वो मंगवा सकते हो। वो भी रेजर की तरह ही होती है, बट वो सेफ होती है यूज़ करनी, जो स्वेटर के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा टाइप का स्वेटर है जो इन सबसे एकदम ही अलग है, और उसको हम कहते हैं कार्डिगन, जो एकदम सूट वाली जैकेट की तरह होता है, लेकिन बना हुआ स्वेटर वाले मटेरियल से होता है। कार्डिगन एक मैच्योर स्वेटर है, तो इसे जिप में प्लीज बिल्कुल मत लेना, इसको बटन्स में ही लेना अगर आप लेना चाहते हो तो। अगर आप इसको पतले मटेरियल में ले रहे होगे, तो आप इसको लेयर कर पाओगे, मतलब इसके ऊपर जैकेट्स वगैरह पहन पाओगे। और अगर आप मोटे मटेरियल में लोगे, जैसे कि शॉल कॉलर वाला, तो वो आप अकेले ही पहनोगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसके नीचे अगर आप शर्ट्स पहनोगे तो बेटर लगेगा। टी शर्ट्स इसके नीचे उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि थोड़ी सी फेमिनिन लगती है। बट हाँ, ये थोड़े क्लासी होते हैं, तो थोड़े से महंगे भी होते हैं। मोंटे कार्लो बहुत अच्छे कार्डिगन बनाता है, अगर आप लेना चाहो तो। अब आते हैं कि स्वेटर्स की फिटिंग कैसी होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा टाइट हुए, तो इनकी शेप आपकी बॉडी की शेप को और भी ज्यादा गंदा दिखाएगी, मतलब थोड़ी सी तोंद को इस स्वेटर में ऐसा लगेगा कोई प्रेग्नेंट लेडी है, और आपके साइड का जो फैट होता है ना, वो भी स्वेटर्स में बहुत ज्यादा दिखता है। लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा लूज ले लिया, तो आप एकदम दादाजी लगोगे।
इसका जनरल रूल ये है कि आपके ट्राइसेप वाले पार्ट से आप एक इंच पकड़ पा रहे हो अपनी चुटकी में, मतलब कि 1 inch pinch, एंड अपनी साइड से 2 inch pinch. इसकी लेंथ सही होना बहुत जरूरी है, आपकी बेल्ट से थोड़ी सी ही नीचे एंड होना चाहिए. स्वेटर अगर इसकी लेंथ आपने बहुत लंबी या बहुत छोटी ले ली तो छपरी नहीं, आप लल्लू लगोगे. बट हाँ, वैसे मुश्किल होता है बहुत कोई ऐसा स्वेटर मिल जाना जो कि आपको एकदम सही फिट आए. तो आप ऐसा करना कि स्वेटर अपनी शोल्डर्स के हिसाब से सही ले लेना, बाकी उसकी आर्म्स और उसकी नीचे वाले पार्ट की फिटिंग तो आप टेलर से भी करवा सकते हो 50-60 रुपए देके. वैसे मेरी बहुत बड़ी एडवाइस ये है कि अगर आप टर्टल नेक ले रहे हो तो एक साइज छोटा ही लेना. स्वेटर वैसे भी थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं तो आपको वो टाइट ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा छोटा साइज लोगे तो आप उसको लेयर अच्छे से कर पाओगे, मतलब कि जैकेट पहनोगे तो उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा. स्वेटर्स में कलर्स डार्क वाले बहुत ज्यादा क्लासी लगते हैं, जैसे ब्लैक, ग्रे, ब्राउन वगैरह. और अगर ज्यादा शौक चढ़ रहा है तो आप नेवी, मेरून, ऑलिव भी ले सकते हो. लेकिन हाँ, प्लीज इसके अलावा कोई और कलर मत लेना, पेस्टल कलर या वो कोई झटाक कलर. वो सारे कलर्स यार प्लीज हुडीज और स्वेटशर्ट्स के लिए छोड़ दो. ऑल्सो इसमें कुछ प्रिंटेड नहीं होगा तो बहुत बेटर रहेगा, ताकि आप अलग अलग जगहों पर बार बार पहन पाओ. यार वैसे तो आपको 800-900 में भी स्वेटर्स मिल सकते हैं अच्छे, लेकिन बहुत ही कम ऑप्शंस होंगे आपके पास. अगर आप अपनी रेंज 1800 या 2000 तक की ले जाओगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के स्वेटर्स मिल जाएंगे जो लंबे चलेंगे. लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि अगर आप चीप वाले भी लेते हो तो वो भी 2 साल तो चल ही जाएंगे, और आप उसके अंदर कुछ ना कुछ फुल स्लीव की टी शर्ट या शर्ट तो पहनोगे ही, तो उनकी जो गंदी वूल की क्वालिटी है वो आपकी स्किन को टच नहीं करेगी, तो आपको कुछ इचिंग भी नहीं होगी. तो ब्रोज, मैं बोलूंगा आप ले लो 1 या 2 वी नेक स्वेटर ब्लैक या ग्रे जैसे कलर्स में. मैंने रिसर्च करके स्क्रीन पे कुछ अच्छे वाले डाले हुए हैं, ये वाले आप ले सकते हो, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यार, टर्टल नेक्स 2-3 ले लो, ब्लैक या ग्रे कलर में एक, और एक ले लो आप थोड़े से लाइट कलर में, जैसे कि व्हाइट, ऑफ व्हाइट या क्रीम. अब उसके ऊपर जो निटिंग है, मतलब जो उसकी बुनाई है, वो पैटर्न वाली हो या प्लेन हो, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पहनोगे. अगर ऑफिस वगैरह में पहननी है तो प्लेन वाली लेना, नहीं तो फिर आप उसके ऊपर पैटर्न वाला भी ले सकते हो. अब अगर आप ये सारे स्वेटर्स ले चुके हो और आपके पास तब भी थोड़ा सा बजट बच गया है जिससे आप स्वेटर्स खरीदना चाहते हो, तो आप ले सकते हो एक केबल निट स्वेटर, वो आजकल काफी ट्रेंड में है. या फिर अगर आप ऑफिस जाने वाले ब्रो हो तो आप क्वार्टर जिप स्वेटर्स भी ले सकते हो, और ऑफिस या ऑफिस की पार्टीज में पहनने के लिए आप कार्डिगन भी ले सकते. अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि है इनको स्टाइल कैसे करना है. तो जो मैंने आपको एसेंशियल वाले 3 बताए थे, मैं उनकी आपको स्टाइलिंग बताऊंगा मल्टीपल वेज में. तो स्टार्ट करते हैं वीनेक से. तो सबसे पहली आउटफिट में एक ब्लैक वीनेक, साथ में व्हाइट शर्ट, फॉर्मल ग्रे पैंट्स, और साथ में ब्राउन शूज और ब्राउन टाई. बहुत क्लासी आउटफिट है ये ऑफिस के लिए, एकदम आप इसमें सोफेस्टिकेटेड लगोगे और स्टाइलिश भी. इसी को थोड़ा सा आपको सेमी फॉर्मल करना हो, जैसे कि ऑफिस में फ्राइडेज को पहनने के लिए, तो बस नीचे फॉर्मल पैंट्स की जगह बेज कलर की चीनोस और साथ में स्नीकर्स. थोड़ा सा और इसको इनफॉर्मल करने के लिए, थोड़ा सा और फन बनाने के लिए, आप अपने वी नेक को एक कलर में पहन सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू पहना है, आप मरून या फिर ऑलिव भी पहन सकते हो. अंदर व्हाइट शर्ट ही रहेगी, साथ में वही सेम बेज चीनोस और साथ में स्नीकर्स व्हाइट कलर के, ताकि शर्ट के साथ कोऑर्डिनेट हो जाए. यार ये वाली जो आउटफिट है ना, वी नेक के साथ चीनोस, गर्ल्स लव इट यार, मतलब ये लड़के को बहुत अच्छी लगती है, तो ये डेट्स के लिए आइडियल आउटफिट है एकदम. इसमें से वी नेक के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ आप आसानी से एक ब्लैक डेनिम जैकेट भी पहन सकते हो और साथ में ब्लेजर्स भी पहन सकते हो. लेकिन हाँ, वी नेक के साथ स्ट्रीट स्टाइल नहीं कर सकते. नेक्स्ट टर्टल नेक वाली आउटफिट्स में, पहले में एक ग्रे कलर की टर्टल नेक पहनी है मैंने. इसको आप अकेले में भी पहन सकते हो क्योंकि ये रिब्ड है और प्लेन नहीं है, साथ में ब्लैक जीन्स और व्हाइट स्नीकर्स अच्छे कॉन्ट्रास्ट के लिए. इसके ऊपर लेयरिंग शुरू करनी है तो कम ठंड में एक फ्लैनल पहन सकते हो. फ्लैनल यहाँ पे मैंने रेड और ब्लैक वाली रखी है, जो बिल्कुल जानी वानी कलर्स हैं फ्लैनल के. और अगर ठंड ज्यादा है तो साथ में एक डेनिम जैकेट भी पहन सकते हो, डार्क ब्लू कलर में बेसिकली, और साथ में अगेन सेम ब्लैक जीन्स एंड व्हाइट स्नीकर्स कॉन्ट्रास्ट के लिए. यार ग्रे टर्टल नेक के साथ बेस्ट जो लोअर्स लगेंगे ना, वो नेवी चीनोज हैं, क्योंकि ग्रे और नेवी का कॉम्बिनेशन बहुत आइकॉनिक होता है. इसको आप अकेले तो पहन ही सकते हो, साथ में एक मफलर के साथ लेयर करके. वैसे टर्टल नेक में मफलर की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, बट साथ में मफलर अच्छा ही लगता है, साथ में ग्रे कलर के स्नीकर्स कोऑर्डिनेट करने के लिए. नेक्स्ट में एक ब्लू फ्लैनल इसके ऊपर लेयर करी है, उस ब्लू फ्लैनल पे नेवी कलर का पैटर्न भी है, तो वो नेवी चीनोज के साथ मैच करता है, और ग्रे टर्टल नेक के साथ स्नीकर्स तो मैच कर ही रहे हैं ग्रे. ये काफी कूल कॉलेज के लिए आउटफिट है. नेक्स्ट आउटफिट में एक ब्लैक डेनिम जैकेट इसके ऊपर पेयर करिए, अगर ठंड ज्यादा हो तो. ब्लैक डेनिम जैकेट खैर हर चीज पे ही अच्छी लगती है, और टर्टल नेक जब जैकेट के कॉलर से निकलती है तो वो बहुत क्लासी लगता है. साथ में नीचे इसमें थोड़े बूट्स पहने, थोड़ी क्लासी फील देने के लिए. टर्टल नेक्स जनरली अकेले उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी जैकेट्स या शर्ट्स के साथ लेयर करके अच्छी लगती है. अब नेक्स्ट व्हाइट कलर की टर्टल नेक को पेयर करेंगे, ब्राउन कलर की चीनोस पहनेंगे और साथ में व्हाइट कलर के बूट्स पहनेंगे. बूट्स की जगह वैसे स्नीकर्स भी पहन सकते हो, सेम ही लगेगा. ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट पहनेंगे, थोड़ी मैनली फील देने के लिए उस आउटफिट को. लेदर जैकेट के अंदर से लाइट कलर के टर्टल नेक्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं.
दूसरी आउटफिट में हम एक ब्लेजर के साथ इसको पेयर करेंगे थोड़ी सी फॉर्मल लुक देने के लिए इसको, जो आप शादियों पे भी पहन सकते हो और वैसे ऑफिस में भी फ्राइडेज को पहन सकते हो। नेक्स्ट आउटफिट में है डार्क ब्लू जीन्स के साथ पेयर किया हुआ इस टर्टल नेक को, साथ में ब्राउन कलर के बूट्स हैं और ब्राउन कलर की लेदर जैकेट है बूट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। जैसा मैंने कहा था कि ये लेदर जैकेट्स के अंदर से बहुत ही ज्यादा क्लासी और मैनली निकल के आती है टर्टल नेक, बट हाँ इसको बॉम्बर जैकेट या कलर्ड डेनिम जैकेट्स के साथ मत पहनना क्योंकि टर्टल नेक हमेशा एक क्लासी आउटफिट में यूज होनी चाहिए। अब जो मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस करी थी कि मैं आपको इनकी केयर कैसे करनी है उसकी एक ट्रिक बताऊंगा, इसको कभी भी हैंगर पे मत टांगना, नहीं तो इसके कंधे लटक जाएंगे, वो ऊपर ऐसे बम्प्स निकल आएंगे। स्वेटर्स को हमेशा फोल्ड करके ही रखना है और वॉशिंग के लिए जनरली इनको कभी भी मशीन में नहीं धोते हैं, लेकिन आप तब भी हर स्वेटर के अंदर ना एक टैग लगा हुआ होता है जिसमें वॉशिंग वाले इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, वो जरूर देख लेना, उसके ऊपर लिखा होगा कि आप इसको मशीन वॉश करोगे या फिर इसको ड्राई क्लीन करना चाहिए। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले में मिलते।